नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस बार अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दीपावली है और कर्मचारियों की जो वेतन है वह प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आहरित होती है। ऐसे में मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के जो संगठन है उन्होंने मध्य प्रदेश शासन से कर्मचारियों का जो वेतन है वह दीपावली के पूर्व भुगतान करने का अनुरोध किया है। शिक्षक कर्मचारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उसमें अनुरोध किया है कि शिक्षकों का जो वेतन भुगतान है वह दीपावली के पूर्व कर दिया जाए, क्योंकि दीपावली से पहले शिक्षकों को बहुत या सभी कर्मचारियों को बहुत सारी खरीदारी करनी पड़ती है जिसके लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। विभिन्न आवश्यकताएं हैं जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है और धन के अभाव में शिक्षक साथी या कोई भी कर्मचारी अपना त्यौहार कैसे उत्साहपूर्वक मना सकता है। तो उन्होंने अनुरोध किया है मध्य प्रदेश सरकार से कि जो शिक्षकों की या विभिन्न कर्मचारियों की जो वेतन है वह अक्टूबर में दीपावली से पूर्व भुगतान करवाई जाए। इसको लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। ये खबर आप मेरे साइड में देख रहे होंगे। शिक्षक कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व अक्टूबर माह का वेतन भुगतान करने की मांग। उन्होंने इसमें कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए जिसमें उन्होंने लिखा है कि दीपावली का त्यौहार होने के कारण कर्मचारियों को धनराशि की आवश्यकता होती है जिससे कि त्यौहार आनंद के साथ, उमंग के साथ, परिवार के साथ मनाया जा सके। चूंकि जो दीपावली है वह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, ऐसे में शिक्षक छात्र या विभिन्न कर्मचारियों के लिए आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है तो उन्हें वह इस बिंदु को जरूर ध्यान में रखें और जो कर्मचारियों की वेतन है वह दीपावली के पूर्व आरंभ करवाने की कृपा करें। इस तरीके से ये समाचार पत्रों में भी इस खबर को मुख्य रूप से लिया गया है। आप मेरे साइड में देख रहे होंगे, दीपावली के पूर्व वेतन भुगतान करे राज्य सरकार, वेतन मिलेगा तभी तो होगी खरीदारी, शर्मा जी। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव राजीव शर्मा का कहना है जब वेतन मिलेगा तभी तो शासकीय कर्मचारी या सेवक खरीदारी कर पाएंगे। उनका कहना है कि दीपावली को उत्साह से मनाने के लिए बाजारों में जहाँ खरीदारी जरूरी है वहीं मेहमानी की अगवानी का खर्चा भी उठाना पड़ता है। त्यौहार पर हर सेवक को उधार मिलना भी मुश्किल है, इस कारण समय से वेतन का भुगतान आवश्यक है। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियां परिलक्षित हुई हैं जब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दीपावली रही हो तो उस समय कई बार दीपावली से पहले जो शिक्षकों की वेतन है उसका भुगतान हुआ है और उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बार भी शासकीय कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व उनका वेतन भुगतान किया जाएगा जिससे कि वह अपना त्यौहार हर्षोल्लास और उमंग के साथ परिवार से खुशी खुशी मना सके। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारियां समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।